जंगल मंगल, ये नाम सुनकर आपके दिमाग में किस तरह की इमारत, किस तरह की जगह का चित्र उभर कर आता है? यकीनन किसी चिड़ियाघर टाइप की जगह का है ना। लेकिन देहरादून रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर की दूरी पर मालसी नाम की एक जगह पर बना ये जंगल मंगल एक अस्पताल है। यहाँ पर योगी अरन नाम के डॉक्टर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का मुफ्त में इलाज करते हैं। तो जानना चाहेंगे आप कौन है ये डॉक्टर योगी अरन और क्या है इस जंगल मंगल की पूरी कहानी? डॉक्टर योगी अरन, सबसे पहला सवाल डॉक्टर कि इस अस्पताल में सबसे ज्यादा मरीज किस चीज के इलाज के लिए आते हैं? 90% burns and bear bites, animal bites. I mean those are very rare cases, which are nobody accepts them. Those refused cases come to us and most difficult cases. पहाड़ी क्षेत्रों में जल जाने की घटनाएं मैदानी इलाकों की अपेक्षा कई गुना ज्यादा होती हैं। सुदूर सीमावर्ती पहाड़ी इलाकों में रेगुलेटर वाले गैस नहीं होते। लकड़ियों से लगाई गई आग लगातार जलती ही रहती है। ज्यादातर छोटे बच्चे इस आग का शिकार बनते हैं। दूसरी बड़ी समस्या है जंगली जानवरों के हमलावर हो जाने की। भालू, तेंदुए अक्सर लोगों पर झपट्टा मार देते हैं, जिससे लोगों के हाथ, पैर और कभी कभी तो चेहरा जख्मी हो जाता है। पहाड़ी इलाकों में सर्जरी और बर्न ट्रीटमेंट सेवाओं की सख्त जरूरत है। डॉक्टर योगी खुद अब तक 5,000 सर्जरी कर चुके हैं और उनके पास लगातार ऑपरेशंस करने के बावजूद पेंडिंग मामलों की बहुत लंबी फेहरिस्त है। We have about 10,000 patients on waiting list. Is that 10,000? 10,000 surgeries, not the patients. Because one patient needs more than 5-6 surgeries. ऐसा कभी नहीं होता कि एक ही उंगली जले। पूरा हाथ जलता है, फेस जलता है, नेक जलती है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज जो खाल जल जाती है उसकी इलास्टिक जल जाती है, इट स्टॉप्स ग्रोइंग। अगर किसी का हाथ जल गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता चला जाएगा। जब बच्चों को तकलीफ होती है तो ऐसे उसको आराम मिलता है, करता चला जाता है और इट वोंट ग्रो। It won't grow because it lost the elasticity, and the bones will not grow if the surrounding skin cover is not elastic. सर्जरी और बर्न ट्रीटमेंट काफी महंगे इलाज माने जाते हैं, काफी पैसे लगते हैं इसमें, लेकिन डॉक्टर योगी अपने मरीजों का मुफ्त में इलाज करते हैं। इसके पीछे की प्रेरणा के बारे में डॉक्टर योगी बताते हैं कि अमेरिका के एक एनजीओ को जब उनके काम के बारे में पता चला तो वो लोग डॉक्टर योगी से मिलने यहाँ आ गए। अमेरिका वाले डॉक्टर योगी का क्लिनिक देखकर काफी प्रभावित हुए और तब से 10-20 अमेरिकन स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का ग्रुप यहाँ पर आकर हर साल 2 बार फ्री में कैंप लगाता है। इस बात ने डॉक्टर योगी को अपने काम के लिए और भी ज्यादा प्रतिबद्ध कर दिया है। They treat our patients for free twice a year. That actually, Prigya, that motivated me. That a person who is rich, who is an American, who is highly qualified, coming to India for my patients, why shouldn't I operate on my patients myself?
यही वो क्षण था जब आपको लगा महंगी फीस वाली क्लिनिक खोलने के बजाय आपको ये काम करना। That was the turning point. डॉक्टर योगी का ये जंगल मंगल अस्पताल अपने शुरुआती दौर में एक चिल्ड्रन साइंस पार्क के तौर पर जाना जाता था। योगी अमेरिका से जब अपनी ट्रेनिंग पूरी करके भारत वापस आए तो उन्हें लगा क्यों ना जैसे उस देश में बच्चों को खेल खेल में विज्ञान की इतनी सारी बातें समझा दी जाती हैं, वैसा ही अपने देश में भी किया जाए। ये आज से 35 साल पहले की बात है। उन्होंने जमीन खरीदी और अपनी शानदार क्रिएटिविटी को रूप देना शुरू कर दिया। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उनके पास इस पार्क को पूरा करने के लिए पैसे नहीं बचे और उन्हें अपना यह सपना अधूरा छोड़ना पड़ा। तब तक सरकारें भी बच्चों के लिए इस तरह के पार्क बनवाना शुरू कर चुकी थीं। फिर उन्होंने अपने अलग किस्म के ट्री प्लांटेशन प्रोजेक्ट पर ध्यान देना शुरू कर दिया। Since 35 years, I'm working on the same plan. I have planted about 250 banyan trees, and the structure is about 150 feet diameter. You can ride onto them, you can lie, you can rest under them. This is applied topiary. I'm trying it to send it to the Guinness World Book, and they have already promised that this project is really the biggest tree structure. डॉक्टर योगी चाहते हैं कि फंड की कमी से उनका ये वाला सपना भी अधूरा न रह जाए। वो कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने 35 साल से मेहनत की है वो एज इट इज मेंटेन हो, पब्लिक के काम आए। और ये मेरा प्रोजेक्ट, मैं चाहता हूँ कोई भी एजेंसी, जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ पीएमओ को लिखने की, मैं कोशिश कर रहा हूँ जापान गवर्नमेंट को, तो आई एम श्योर अगर मैं अच्छा काम करता हूँ और मेरी भावनाएं शुद्ध हैं तो कोई ना कोई इसको सपोर्ट करेगा। डॉक्टर योगी एरन के प्रयास, उनके काम की निर्मलता इन चेहरों के भावों से साफ समझ आ जाती है। थैंक यू डॉक्टर योगी सर। थैंक यू डॉक्टर योगी सर। थैंक यू डॉक्टर एरन। अपने भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, हाँ कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। बस यही बात याद रखना, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। ऐसा फूल बागों में खिला कभी ना, जिसे दर्द कांटों का मिला कभी ना। कैमरे के सामने मैथ्यू ब्रंगिया और कैमरे के पीछे मैथ्यू मॉनिका। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और घुमकड़ी वाले आपको ऐसे ही वीडियो और देखने हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढे